ट्वेल्थ का जो की एक्सरसाइज है जो 2.1 है, उसके मैंने तीन सम लिए। पहला है, चौथा सम और नौवां सम है। और मैं ऐसा करता हूं, इन्हीं की सहायता से आप सभी सम कर लोगे, ठीक है? तो अब इनको वैल्यू निकालनी है हमें कि सबसे पहले इसको किसके इक्वल रखेंगे, एक्स के। साइन इनवर्स -1/2, ठीक है? अब टेकिंग, ये इनवर्स पूरे चैप्टर में अपना यही काम रहेगा कि इनवर्स कैंसिल हो जाए, ठीक है? टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड साइन ले लेते हैं इसका। एक्स का साइन लेंगे साइन एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन का इनवर्स क्या है, साइन है, साइन इनवर्स का साइन है, ठीक है? तो इनवर्स से वो कैंसिल हो जाता है, क्या नहीं, मतलब ऐसे आएगा ये साइन ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो साइन एक्स इज इक्वल टू आया -1/2। अब आप यहां देख लेते हो कि साइन एक्स की वैल्यू -1/2 आई है, तो किस एंगल पर होती है -1/2 साइन की वैल्यू? तो पहले तो ये देखो, 1/2 किस पे होती है, 1/2 तो भाई पाई बाई 6 पे, क्योंकि 30 पे होती है, और माइनस क्या हो जाएगी, -π/6, ठीक है? तो साइन एक्स साइन ऑफ -π/6, ठीक है? तो यहां से कंपेयर किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -π/6। अब आपने ये देखना है, तो ये वैल्यू आई है, ये इसकी रेंज में है या नहीं, -π/6, और रेंज होती है साइन की -π/2 से π/2, ठीक है? बिल्कुल ये इसकी रेंज में है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है, ठीक है? बाद में आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं इसको, सीधा ऐसे मन में देखिए कि भाई ये किस पे वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है -π/2 पर, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दोगे -π/2, ठीक है? यहां फिर एक्स के इक्वल रखा भाई, ठीक है? टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ टेन लिया, तो ये आ जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू, उस साइड कैंसिल हो जाएगा -√3। तो टेन एक्स -√3 किस पे वैल्यू होती है, ये माइनस का √3 देख लो पहले, किस पे वैल्यू होती है, π/3 पे, 60 पे होती है ना, π/3 को 60 कहते हैं, तो ये -π/3, ठीक है? तो एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई -π/3। अब देखो -π/3 है वो टेन इनवर्स की जो रेंज है उससे बिलोंग कर रहा है, नहीं है, उसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में, हाँ ये बिलोंग कर रहा है इसकी, ठीक है? तो ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट एक्स के इक्वल रखा है इसको, ठीक है? कॉस इनवर्स -√2, ठीक है? अब टेकिंग कोस ऑन बोथ साइड, इस साइड कोस लिया कोस एक्स, उस साइड कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, -1/√2। अब आप यहां पे देख रहे हो कि -1/√2 किस पे वैल्यू होती है, तो 1/√2 देखिए आपने π/4 पे होती है, तो अगर आप एक्स वैन आपने डायरेक्ट लिया कि अच्छा माइनस आएगा ही नहीं कोस में, क्योंकि कोस के एंगल में से माइनस क्या है बाहर आ गया, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है? तो माइनस आएगा ये क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो कोस किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, ये चार क्वाड्रेंट होते हैं ना, ठीक है? तो कोस किस क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसमें और इसमें, ठीक है? सेकंड में चले जाएंगे, क्योंकि कोस की जो कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो 0 से π है क्लोज इंटरवल पर, ठीक है? तो आप यहां से कोस एक्स, मैं सेकंड इंटरवल में जा रहा हूं, पाई -π में से माइनस किया, क्या ये वैल्यू क्या होती है, π/4। तो कोस एक्स कोस 3π/4, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 3π/4, ठीक है? और 3π/4 है जो बिलोंग करता है
जीरो से पाई के बीच में, बिल्कुल ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल इसके बीच में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसको ऐसे आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, बस आपने याद ये रखना है वो आपने वैल्यू निकाली वो उस रेंज में जरूर रहनी चाहिए, ठीक है।